नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों, आज सुबह की न्यूज़ अपडेट यह है, कल ईरान ने अमेरिका के दूतावास इराक में जो है वहां पर फिर से रॉकेट से हमला किया है और इसके अंदर रिपोर्ट निकल कर आई है। इसमें कुछ अमेरिकी लोग घायल हुए हैं और कुछ की मौत हुई। दोस्तों, इसी को देखते हुए अमेरिका ने और सैनिक डिप्लॉय करने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका और ईरान का युद्ध हुआ तो क्या सिर्फ ईरान के लोग ही मारे जाएंगे, ईरान की ही सिर्फ तबाही होगी? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके पीछे साइड भी कुछ और कहानी है। आइए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि क्या इसके अंदर अमेरिका का नुकसान होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है, ईरान से जंग हुई तो तबाह होगा अमेरिका भी। दोस्तों, बारूद के ढेर पर बैठे हज़ारों अमेरिकी सैनिक। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि मिडल ईस्ट में अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा सैनिक वहां पर सुरक्षा देते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद मध्य एशिया में काफ़ी उथल पुथल मची हुई। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि युद्ध हुआ तो बड़ा नुकसान ईरान का होगा। आइए दोस्तों, आपको बताता हूँ अमेरिका का क्या क्या नुकसान और कितना कितना नुकसान होगा। दोस्तों, इराक से लेकर ओमान तक यानी पूरे खाड़ी देशों में हज़ारों अमेरिकी सैनिक का जमावड़ा है। अगर अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया तो उसके हज़ारों अमेरिकी सैनिकों पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। दोस्तों, ईरान के पास ऐसे मिसाइलें और दूसरे हथियार हैं जो अगर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया तो अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। केवल इराक में ही 5000 सैनिकों की तैनाती है अमेरिका के। जाहिर है कि ईरान की नज़र इन 5000 सैनिकों पर होगी। यह आशंकाएँ इसलिए प्रबल है क्योंकि अतीत में ईरान और उसके समर्थकों ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर ऐसा किया है। दोस्तों, ऑलरेडी ऐसा किया है। दोस्तों, इसके अलावा कई खाड़ी देशों में अमेरिका के पोर्ट हार्बर और जंगी जहाज़ों की तैनाती है। ऐसे में ईरानी मिसाइल का निशाना या अमेरिकी केंद्र भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध का असर व्यापक होगा। यही वजह है कि सऊदी अरब और अरब अमीरात जैसे देश सहमे और डरे हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसका असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसलिए अमेरिका चाहे युद्ध की कितनी भी धमकी दे, लेकिन ईरान के साथ सीधे जंग लड़ना उसके लिए एक बड़ी समस्या का न्योता देने जैसा होगा। दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई तेज होती जा रही है, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर ईरान पर हमला करने से बच रहा है। दोस्तों, तो दोस्तों आपने जैसा कि सुना इस रिपोर्ट में साफ साफ यह बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध होता है तो न सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका को भी भारी नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए तो अमेरिका स्लोली अपने कदम बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली अपडेट को लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।